नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 26 फरवरी 2020 और इस डिस्कशन में हम लोग डेली न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल होते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू ऑलिव रिडले टर्टल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलिव रिडले टर्टल आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबाउंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल फाउंड इन द वर्ल्ड। ये जो है सबसे छोटा टर्टल है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये दुनिया में जितने भी और टर्टल पाए जाते हैं समुंदर में उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। सेकेंड इज दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN की रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। एंड थर्ड इज दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एडिबाड़ा। ठीक है, तो ये अपने मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं जिसको हम एडिबाड़ा कहते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर वन एंड थ्री ओनली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वन एंड थ्री ओनली, क्योंकि ऑलिव रिडले टर्टल को जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं रखा गया है बल्कि वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो है ऑलिव रिडले टर्टल है जिसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द कंसल्टेटिव कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिज आर द नेम एज द पार्लियामेंट्री कमेटी। ये जो है संसदीय समिति के नाम से भी जाना जाता है, सेम एज मतलब उसी के जैसा होता है। एंड सेकेंड इज दिज आर चेयर्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर या संसदीय कार्य मंत्री मंत्रालय द्वारा चेयर्ड किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू, क्योंकि कंसल्टेटिव कमेटी जो होती है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी की तरह नहीं होती है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो चेयरमैन या स्पीकर द्वारा जो होते हैं उसके सदस्य जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं। ये स्पीकर या चेयरमैन के अंडर डायरेक्शन पे काम करता है। जो ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो भी स्पीकर या चेयरमैन को प्रस्तुत करता है और इसका जो सेक्रेटेरिएट होता है वो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यानी जिस सदन की ये सेक्रेटरी होती है या समिति होती है पार्लियामेंट्री कमेटी में उसी सदन द्वारा इसको एक सचिवालय उपलब्ध कराया जाता है। जबकि कंसल्टेटिव कमेटी जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर द्वारा इसको चेयर्ड किया जाता है और ये कमेटी अटैच्ड होती है वेरियस मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट के इंचार्ज वो इस मिनिस्ट्री के चेयरमैन होते हैं कंसल्टेटिव कमेटी मिनिस्ट्री के। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट फंक्शन अंडर द एम्बिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। सेकेंड इज NCMRWF एम्स टू डेवलप एडवांस न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन सिस्टम विथ इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ओवर इंडिया एंड नेबरिंग रीजन। ये जो है वो एडवांस न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन करेगा, मतलब कि ये जो है वेदर के बारे में एडवांस प्रिडिक्शन करेगा कि कब जो है बरसात होने वाली है, कब जो है सुनामी आने वाला है, उच्च दाब कब होगा, निम्न दाब कब होगा, इस तरीके की ये प्रिडिक्शन करेगा और ये भरोसा रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को दर्शाएगा इंडिया के लिए और इसके नेबरिंग कंट्री के लिए। तो याद रखिएगा कि नेबरिंग कंट्री के लिए भी ये है। एंड थर्ड इज मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन 30 days to 2 years इन एडवांस। तो ये जो है 30 दिन से लेकर के 2 साल तक के जो मौसम होगा उसके बारे में फॉरकास्ट करेगा। तो योर ऑप्शंस आर वन एंड टू ओनली, टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट था वो कल गलत हो गया। अब उसके बाद में जो शॉर्ट रेंज वेदर फॉरकास्टिंग इसके अंतर्गत की जाएगी वो 12 घंटे से 72 घंटे के लिए की जाएगी। मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग 3 दिन से 10 days के लिए होगा। जो एक्सटेंडेड रेंज वेदर फॉरकास्टिंग होगा वो 10 days से लेकर के 30 days तक होगा और लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग होगा वो 30 days से लेकर के 2 years तक का होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नॉर्दर्न रिवर टेरापिन इज फाउंड इन, तो नॉर्दर्न रिवर टेरापिन जो है ये भी एक कछुए की प्रजाति है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया, सेकेंड इज बांग्लादेश एंड थर्ड इज श्रीलंका। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, वन एंड टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली एंड थ्री ओनली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वन एंड टू ओनली। ये जो है इंडिया और बांग्लादेश में पाया जाता है। इस ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉर्दर्न रिवर टेरापिन है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इसी को बाटागुड़ बास्का भी बोलते हैं, और ये जो है रिवराइन टर्नल टर्टल नेटिव साउथ एशिया, मतलब ये दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली रिवराइन टर्टल है, ठीक है। इसको क्लासिफाइड किया गया है IUCN की रेड लिस्ट में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। और ये जो स्पीसीज है वो बांग्लादेश जो सुंदरवन वाला हिस्सा है, कंबोडिया, इंडिया में ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा यानी सुंदरबन वाले हिस्से में, और इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इन जगहों पर ये पाया जाता है। तो श्रीलंका में ये नहीं पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। एंड ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है या रीजनली एक्सटिंक्ट है म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में जो कंट्री हैं, और इधर आप देख सकते हैं ये थाईलैंड, वियतनाम, ये बे ऑफ बंगाल में है, तो इन दोनों जगहों पर ये नहीं पाया जाता, यानी बेसिकली जो ये है सुंदरबन वाले रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द कन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो CMS के बारे में बताना है, CMS COP 13 के बारे में, कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एशियन एलिफेंट वॉज द मास्कट ऑफ द COP 13, यानी जो एशियाई हाथी है उसको मास्कट रखा गया था COP 13 के लिए। एंड सेकेंड इज CMS COP 13 एडॉप्टेड एट गांधीनगर डिक्लेरेशन, तो ये जो है गांधीनगर समझौते को अडॉप्ट किया है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शन आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड इन नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली, ठीक है, क्योंकि जो मॉस्कट था वो ग्रेट इंडियन बर्ड था मॉस्कट में, न कि एशियन एलिफेंट। ये जो हेल्ड हुआ था CMS COP 13, ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था, और ये भारत में पहला था, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये भारत में पहला था। इसके अलावा इसका जो थीम था वो था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट दैट प्लानट एंड टुगेदर वी वेलकम दैम होम, तो ये याद रखिएगा। 10 नए स्पीसीज को COP 13 के अपेंडिक्स में जोड़ा गया है, जिसमें 7 स्पीसीज हैं वो अपेंडिक्स फर्स्ट में है। कौन कौन से अपेंडिक्स फर्स्ट में है? वो है एशियन एलिफेंट, जगुआर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन एल्बेट्रॉस एंड ओसेनिक वाइट ट्रिप शार्क, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 7 जो हैं वो आपको अपेंडिक्स 1 में है। आप ये जनरली इनका नाम आप जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते होंगे तो इनका नाम जनरली आप सुने होंगे, लेकिन जो 3 स्पीसीज ये हैं इसका नाम बहुत रेयर सुनने को मिलता है, जैसे यूडियल, स्मूथ हैमर्ड शार्क एंड टॉप शार्क, ठीक है। तो जो CMS COP 13 है वो गांधीनगर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया है, एंड फर्स्ट ईवर जो ये रिपोर्ट हुआ है स्टेटस ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, मतलब इसमें जो है पहली बार प्रवासी भारतीयों के स्टेटस स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई है या रिपोर्टिंग किया गया है। इंडिया जो है COP 13 को होस्ट किया था, और अगले 3 साल तक ये जो है इसका प्रेसिडेंसी को रखेगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय समझौता सेंटर एक्ट अधिनियम के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि जो NDIAC है वो हेड होगा या चेयरमैन इसके जो होंगे वो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, और या एक इमिनेंट पर्सन होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा विथ कंसल्टेशन ऑफ CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा CJI नहीं होंगे, बल्कि CJI के निर्देश या कंसल्टेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को या इमिनेंट पर्सन को। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें जो होंगे 2 फुल टाइम मेंबर होंगे या पार्ट टाइम मेंबर होंगे, और ये जो इमिनेंट पर्सन होंगे वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल है इनके ये एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वन एंड टू। लेट्स सी अबाउट NDIAC। तो जो ये ड्राफ्ट है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का, इसको इशू किया गया है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए कि आप उसमें कोई सुझाव दे सकते हैं, और अगर कुछ हो सके तो, ठीक है। तो हर एक पब्लिक के लिए इसको
खोला गया है, कोई भी पब्लिक इसमें कमेंट अपना सबमिट कर सकते हैं। और इसकी जो टाइम लाइनिंग है वो है 14th of March 2020। इसमें क्या है कि वन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो इसके अलावा जो मैंने पीछे दो बताए, जैसे इसका चेयरपर्सन के बारे में बताया कि वो CJI के कंसल्टेशन से केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है। इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ये भी नॉमिनेट होंगे, पार्ट टाइम मेंबर होंगे ये रोटेशनल बेसिस पर। इसके अलावा जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे वो होंगे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फिनेंशियल एडवाइजर, ये जो होंगे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये जो होंगे इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। तो सिर्फ आप चेयरपर्सन याद रखिएगा कि चेयरपर्सन जो होगा, कई बार आपसे पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करेंगे या प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे या किसी मिनिस्ट्री का नाम देगा, तो नो दैट्स रॉन्ग। ये जो होगा विद कंसल्टेशन विद CJI, इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या PM इसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और वो कौन सा होगा, चीफ मतलब कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या इमिनेंट पर्सन हो सकते हैं जिनको इंटरनेशनल या डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द LPG प्राइस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो LPG प्राइस के बारे में बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज जो ये डोमेस्टिक प्राइस होता है LPG का, वो बेस्ड होता है एक फार्मूला के ऊपर जो IPP यानी इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस इसके अंतर्गत बेस्ड होता है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल प्राइस है LPG का, ठीक है। जो सऊदी अरेमको कंपनी है LPG की बहुत बड़ी कंपनी है और उसी के बेंचमार्क के हिसाब से IPP को तय किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, योर ऑप्शंस आर 1 only 2 only, बोथ 1 and 2 एंड इन ईदर 1 not 2। राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। तो याद रखिएगा आपसे UPSC इस तरीके के सवाल पूछते हैं जनरली, ठीक है। जैसे एक बार पूछे था कि गन्ना का जो मूल्य होता है वो कौन जो समिति तय करती है, तो उसको आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति तय करती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकती है। जो LPG प्राइस है वो डिवाइड होता है मंथली बेसिस पर, और इस बार जो है फरवरी 2020 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी जो दिल्ली में रेट है अनसब्सिडाइज सिलेंडर का वो 144 रुपये बढ़ गया है, और नॉन सब्सिडाइज जो सिलेंडर है वो 714 रुपये में अभी मिल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है सऊदी अरेमको जो बेस्ट कंपनी है सऊदी अरब की, उसी के बेंचमार्क के आधार पर IPP को तय किया जाता है, और IPP के आधार पर LPG के प्राइस रेट को मंथली बेसिस पर तैयार किया जाता है, ठीक है। एट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द रिपोर्ट अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये फ्यूचर फॉर वर्ल्ड चिल्ड्रेन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज रिसेंटली रिलीज बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। एंड सेकेंड इज इंडिया को जो है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 77th रैंक मिला है एंड 131st पोजीशन मिला है इसको, बेस्ट चांस टू सर्वाइवल एंड वेल बींग फॉर द चिल्ड्रेन के लिए। यानी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 77 और सर्वाइबिलिटी इंडेक्स में 131। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, योर ऑप्शन आर 1 only 2 only, बोथ 1 and 2 एंड इन ईदर 1 not 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 only, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार कि ये फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट क्या कहता है। तो ये जो है जारी किया जाता है दुनिया भर के जो 40 चिल्ड्रेन हैं या बहुत सारे कमीशंस के मेंबर जो हैं या एक्सपर्ट जो हैं उनके द्वारा। इसमें जनरली जो होता है WHO के मेंबर होते हैं, यूनिसेफ और लेसेंट के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड एडोलोसेंट चाइल्ड हैं उनके लाइफ को, उनके जो हेल्थ है उनको बहुत ज़्यादा खतरा है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन से, जो पारिस्थिति का विघटन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं या जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं जैसे एल्कोहल, इसके बाद में सुगरी ड्रिंक, फास्ट फूड जो हम लोग खाते हैं, ये सब जो होते हैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं और अनहाइजीन होते हैं। तो इससे ज़्यादातर खतरा है, ओबेसिटी का खतरा है, नॉन कार्डियोवेस्कुलर डिजीज जो होते हैं उन सब का खतरा है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज का, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। इस इंडेक्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो बच्चे नॉर्वे के हैं, कोरिया के हैं यानी साउथ कोरिया, नीदरलैंड, वहाँ पर सर्वाइवल और वेलबींग जो है वो बहुत बढ़िया है, जबकि जो बच्चे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में हैं, चाड में हैं, सोमालिया, नाइजर, माली, ये सब जो है इससे ओबेसिटी से ज़्यादातर समस्या से, इन समस्याओं से ज़्यादा ग्रसित है। और यहाँ के बच्चों को जो सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल और वेलबींग है वो इनकी तुलना में कम मिलता है। 180 कंट्री के जो रिपोर्ट पेश किया गया है उसमें इंडिया को 77th रैंक मिला है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में,
एंड 131st पोजीशन था इसमें, बेस्ट चांस एट सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रेन में। ग्लोबली जो है अभी दुनिया में 1975 में जो है 11 मिलियन बच्चे जो थे वो ओबेसिटी के शिकार थे, लेकिन 2016 में ये 11 गुना से भी ज़्यादा बढ़ करके 124 मिलियन बच्चे हो अब ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन सब के शिकार हुए हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रेस्पिट्रोपिक्स ग्रेटा थॉनबर्ग रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये एक, ये जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे, तो ये किस लिए चर्चा में थे, ये एक तरह का स्पीसीज है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए रिसेंटली फाउंड फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स, जो डायनासोर का हाल फिलहाल में अवशेष मिला है उससे ये संबंधित है। बी न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेल्स फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिक यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है उसके एक स्नेल की स्पीसीज है। सी अर्थ साइज प्लैनेट डिस्कवर्ड बाई केपलर स्पेस टेलीस्कोप, तो ये जो है एक अर्थ साइज प्लैनेट है जो केपलर टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया है। एंड डी नन ऑफ द अबाउट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये एक स्पीसीज है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का या स्नेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्रेटा थुनबर्ग जो अभी स्वीडन हाल फिलहाल में जब वहाँ पर पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, UNFCCC की बैठक हुई थी, तो उनमें इनको जो है अवार्ड मिला था। ऐसा कहा जा रहा था कि इनको नोबल भी मिलेगा, लेकिन नोबल प्राइस नहीं मिला, नोबल पीस प्राइस इनको नहीं मिला, लेकिन इनको अवार्ड किया गया चैंपियन के एनवायरनमेंट चैंपियन वाले अवार्ड से, और ये रहा वो स्नेल जो इनके नाम पर दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द ब्लू डॉट नेटवर्क कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट द प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी टू प्रमोट हाई क्वालिटी ट्रस्टेड स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये ग्लोबल मतलब ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या वैश्विक अवसंरचना के विकास के लिए जो है हाई क्वालिटी, जिस स्टेक होल्डर्स की एक बैठक हुई थी या समझौता हुआ जिसमें प्राइवेट सेक्टर होंगे, सिविल सोसाइटी होंगे और हाई क्वालिटी सिविल सोसाइटी होंगे। ठीक है, ये जो है इनिशिएटिव लिया गया है चाइना के द्वारा, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली, क्योंकि ये चाइना के द्वारा नहीं लिया गया है, जबकि बल्कि हाल ही में US प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जब भारत आए थे कल और परसों उनकी ट्रिप थी, तो उसमें इनको इन्होंने और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो इन्होंने इन दोनों ने मिलकर के इसके बारे में इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग था ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इट इज प्रपोज्ड ब्लू डॉट नेटवर्क एक्सपेक्टेड टू डिस्कस बिटवीन US विजिटिंग US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो उसके लिए था, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है इसमें, जिसमें सिविल सोसाइटीज हैं, हाई क्वालिटी इसके बारे में ट्रस्टेड स्टैंडर्ड ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो ये सब है। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस आर्टिकल। आई होप यू इंजॉय दिस वीडियो एंड यू लाइक, प्लीज कमेंट, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर डिस्कशन। हैव अ गुड डे।